आज आप देख रहे हो कि मेरे पास जो लूसन है, ठीक है, ये मैं गर्मी के अंदर इस्तेमाल कराता हूँ, ठीक है। गर्मी के अंदर आपने डेली नहीं यूज़ कराना है इसे, आप तकरीबन वीक के अंदर एक बार यूज़ करा सकते हो, ठीक है। आप गौर से देख लो, ठीक है, ये लूसन है, ठीक है। ये वो घास है जो हम बकरों को चारों में डालते हैं, ठीक है। आपने इसकी दूसरी जो एक और किस्म आती है, बरसीन, जो कि हम भैंसों और गायों को खिलाते हैं, ठीक है, आपने वो यूज़ नहीं करानी है, ठीक है। अपने बर्ड्स को आप ये ऑस्ट्रेलियन को भी डाल सकते हो, कॉकटेल रॉ और रिंगनेक पैराकीट को भी ये यूज़ करा सकते हो, ठीक है। आपने यूज़ कराने का तरीका सिर्फ ये है, आपने इनकी डंडाल लेनी है, ठीक है, ठीक है। ये डंडाल है ना, ठीक है, आपने एक एक दो दो आपने अपने पैर की गुंजाइश और उसके हिसाब से आपने यूज़ करानी है, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ, अगर आपकी कलियों में यानी कि डंडाल में अगर गीली है और ऐसे ख़राब यानी कि पत्ते हैं, तो उनको आप लॉस कर दें यानी कि निकाल लें, ठीक है, जिनके ऊपर मक्खियाँ बैठी हुई होती हैं, तो ये ख़राब हो जाती है। हमें इस पूरी लूसन के अंदर जो हमारे पास जो मेन चीज़ है वो है इसकी टहनी, ठीक है दोस्तों। हमें ये टहनी यूज़ करानी है क्योंकि इसके अंदर ही सारा मिनरल्स है, ठीक है। पानी की जितनी भी मिकदार है जो अक्सर बर्ड्स के अंदर कमी का शिकार होते हैं दोस्तों, ये उसको पूरा करेगी। आप इसके अंदर अगर आप गर्मी में अगर आप यूज़ कराना चाहते हो, ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन आपने इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ गर्मी में वीक के अंदर एक ही बार डालनी है, ठीक है, ना कि आप रेगुलर इस्तेमाल कराओ, ठीक है। अगर आप रेगुलर इस्तेमाल कराओगे तो दोस्तों आपको बताता चलूं कि इसका ये नुकसान होगा कि आपका परिंदा लूज़ मोशन में आ सकता है, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ ये या तो इनकी आप डंडाले डाल दें, ठीक है, वो बहुत अच्छा है, या अगर आप इनके पत्ते समेत इस्तेमाल कराना चाहते हैं तो वो भी करा सकते हैं, लेकिन आपने थोड़ा ख्याल करना होगा। और साथ में आपको बताता चलूं कि लूसन के अंदर आता है एक जामनी और पीले कलर का फूल। आपने अगर आप देखोगे कि आपकी लूसन के अंदर वो फूल है तो आपने वो निकाल देना है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों वो कड़वा होता है और कड़वी चीज़ें अक्सर इंडियन रिंगनेक पैराकीट को बीमार करने के लिए बहुत ज़्यादा अपना अमल दखल करती हैं। तो आपने ऐसे फूल देखने हैं तो आपने हटा देने हैं, ठीक है। चले आए मैं दोस्तों, पहले मैं इनको यूज़ कराता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ कि माशाल्लाह से मेरे तमाम परिंदे जो हैं वो इसको बहुत अच्छे से खाते हैं, ठीक है। मेरे लिए ठीक है, पहले मैं अच्छी तरीके से नुमाया कर रहा हूँ कि इसके अंदर जो ख़राब कली है मैं वो निकाल रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैं एक एक करके जो अपने पैर के हिसाब से, आपने तकरीबन एक पैर को दो डंडाले डालनी है, इससे ज़्यादा नहीं डालनी, ठीक है। अगर आपके बेबीज निकले हुए तो आप उन डंडाल में से तकरीबन एक की तादाद बढ़ा लेना, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों ने ख्याल करना है, अगर इसके अंदर आपको कोई ख़राब या दबा हुआ, ठीक है, आपको पत्ता नज़र आए तो आप उसको लॉस कर दें, ठीक है, अपनी डाल में से निकाल दें, ठीक है। आप सिंपली या तो डाल भी इस्तेमाल करा सकते हो, ठीक है, अपने पैराकीट्स को, चाहे वो कोई सा भी हो। जबकि ऑस्ट्रेलियन ज़्यादातर इनके पत्ते खाते हैं, ठीक है, जबकि रिंगनेक पैराकीट इनके पत्ते नहीं, इनकी सिर्फ डाल खाते हैं, ठीक है, और रॉ भी यही खाता है। उसके अलावा आप ये कॉकटेल वगैरह को भी खिला सकते हो। और दूसरा आपको मैं बताता चलूँ कि जो हमारे यहाँ जो बेचने वाले होते हैं वो अक्सर लूसन की आड़ में घास भी भरकर दे रहे होते हैं, तो आपने घास नहीं खिलानी है, आपने सिर्फ सिर्फ दाल खिलानी है, ठीक है। यहाँ मैं आपको बताता चल रहा हूँ दोबारा, आपने सिर्फ सिर्फ लूसन का इस्तेमाल पूरे हफ्ते में एक दफ़ा कराना है, ठीक है, ना कि आप ये देखो कि गर्मी ज़्यादा है तो आप लूसन का इस्तेमाल डेली कर रहे हो, ठीक है। उसके नतज आपको ये मिलेंगे कि आपका बर्ड तो खाएगा क्योंकि उसको खाने की नई चीज़ मिली है, वो तो खाएगा, लेकिन उसका जो हाजमे का वो है दोस्तों वो डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, निज़ाम, तो जिसके बाइस उन्हें लूज मोशन लग सकते हैं, सीप में आ सकते हैं। तो ठीक है, आपने हर चीज़ जो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, आप ये चीज़ें इस्तेमाल करा सकते हो। आपने उस चीज़ को वीक के अंदर एक दफ़ा इस्तेमाल कराना है और महीने के अंदर आप तकरीबन 3 से ज़ायद मरतबा इस्तेमाल करा सकते हो, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कराइएगा।